एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद रश्मि। तो आज की इस वीडियो में हम अपने अकाउंटिंग रेशियो के लास्ट टॉपिक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मेरी वीडियोस के थ्रू आप इस वीडियो के एंड तक फॉर्मूलेस को समझना सीख जाए, उन्हें अप्लाई करना सीख जाए बिना उन्हें रटे। तो आपको फॉर्मूलेस को रटना ना पड़े, ठीक है? सो नो शॉर्टकट्स, ओनली कॉन्सेप्ट्स। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसमें हमारे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, ऑपरेटिंग रेशियो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है, नेट प्रॉफिट रेशियो है और लास्ट हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अभी तक हमारे पास जो भी फॉर्मूला होते थे उनका नाम क्या होता था? जैसे सपोज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, सपोज ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसमें हमारे पास पता होता था कि वर्किंग कैपिटल और टर्नओवर है, हमें दोनों अमाउंट हमें पता होती थी, मतलब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारे पास होते थे कि क्या हमारे पास न्यूमरेटर होगा, क्या डिनोमिनेटर होगा, ये कौन से टर्म्स होंगे। लेकिन यहाँ जो हमारे पास फॉर्मूलेस हैं, इनमें हमारे पास दोनों टर्म्स के बारे में हमें नहीं पता। हमें ये पता है कि केवल ग्रॉस प्रॉफिट हो सकता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट हो सकती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो सकता है, नेट प्रॉफिट हो सकता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से कैपिटल एम्प्लॉयड हो सकता है, लेकिन बाकी क्या होगा? ठीक, तो बाकी क्या होगा? बाकी हम देखते हैं कि जो भी हम प्रॉफिट निकालते हैं वो किसके बेसिस पर निकालते हैं। जो भी हमारा प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट हम किसका कैलकुलेट करते हैं? नॉर्मली सेल्स पर, क्योंकि सेल्स से हमें पता चलता है। जैसे सपोज मेरे पास 100 यूनिट्स हैं और मैंने 100 यूनिट्स सेल कर दिए हैं, ये थी 1000 रुपीज की सेल हुई है 1200 में, ठीक है? तो ये जो 200 आया, ये किसके थ्रू आया? 200 का प्रॉफिट सेल करने के बाद। तो हमें सेल्स के थ्रू ही पता चलता है कि कितना प्रॉफिट कंपनी ने अर्न किया है, राइट? तो जो भी हमारे रेशियो है, जितने भी हमारे प्रॉफिट है, वो किसके बेसिस पे कैलकुलेट किए जाएंगे? सेल्स के बेसिस पे, मींस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सो फर्स्ट हमारा है रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है? तो ये हमारा फॉर्मूला, और उसके बाद हम अपना आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है, हमारे पास प्रॉफिट आया 200, सेल कितनी थी हमारे पास 1200, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है? इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 1/6, या फिर अगर हम इसे और आगे सॉल्व करें तो 0.666 चला जाएगा, ठीक है? अब हम अपने यूजर्स को क्या इंफॉर्मेशन देंगे कि हमारी कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया 0.166? सो ये तो बोले में नहीं अच्छा लग रहा, तो हम इसे क्या करते हैं, इस रेशियो को सही टर्म्स में डिफाइन करने के लिए हम इसे परसेंटेज में चेंज करते हैं, ठीक है? तो अगर हम इसे परसेंटेज में चेंज करेंगे 1/6 × 100, ठीक है? और 5 से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे 3 से 16.6%। तो अब हम अपने यूजर्स को बता सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट 16.6% हुआ है, ठीक है? जो हमारा पहले हम क्या बता रहे थे कि 0.16 हुआ है, 16 रेशियो है, लेकिन वो तो कोई टर्म डिफाइन नहीं कर रहा था, तो हम क्या बता सकते हैं कि 16.6% हमारा प्रॉफिट हुआ है। तो इसीलिए हम अपने टर्म को कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में। तो इस टर्म को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है? 100 से मल्टीप्लाई, राइट? सो हमारा ये फॉर्मूला क्या बन गया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, राइट? ग्रॉस प्रॉफिट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, ये भी हम ऑलरेडी अपने पुराने वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो इन्हें हमें फिर से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो को हम ऑपरेटिंग कॉस्ट या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो भी कह सकते हैं, ठीक है? तो ऑपरेटिंग कॉस्ट, एक चीज तो हमें पता है इसका कि ऑपरेटिंग कॉस्ट है। सो ऑपरेटिंग कॉस्ट, अब किसके बेसिस पर निकालना है हमें ये रेशियो? ऑब्वियसली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, तो ये हमारे पास आ गया हमारा फॉर्मूला ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। अब ये ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, इसे हम समझ लेते हैं, ठीक है? सपोज मेरे पास 100 चेयर्स हैं, मेरे पास सपोज 100 चेयर्स हैं, 100 चेयर्स के लिए मैंने वुड खरीदी, लकड़ी खरीदी,
100 चेयर्स का प्रोडक्शन करना है मुझे, तो 100 चेयर के प्रोडक्शन करने के लिए मेरे पास जो लकड़ी थी पहले से ही वो थी 1000 रुपीज की, लेकिन ये कम रह गई तो मैंने लकड़ी और खरीद ली 500 की। ठीक है, अब लकड़ी खरीदी है, काम कराना है तो लेबर लगानी पड़ेगी, लेबर को वेजेस देने पड़ेंगे, जो हो गए मेरे 100 पड़ेंगे। देन फैक्ट्री लाइट, ऑब्वियसली कहीं किसी जगह पर हम बनाएंगे, किसी फैक्ट्री के अंदर वो बनेगी, वहां की लाइट, वहां का पानी, वहां का बिल, तो वो सब हो गया हमारा 500 रुपीज। देन कैरेज, हमने किराया भाड़े के पैसे दे दिए, सामान मंगवाया था उसके लिए किराया गया, वो हो गया 100 रुपीज। अब इसमें से मुझे 80 चेयर सेल करनी है, मतलब 20 चेयर सेल नहीं करनी, तो 20 का जो क्लोजिंग स्टॉक है, जो बचा हुआ है अनसोल्ड स्टॉक है, वो हमने 20 का यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब ये चेयर बनकर रेडी होगी, अब मुझे मार्केट में बताना है लोगों को, कैसे बताऊंगी, एडवर्टीजमेंट के थ्रू। ऑब्वियसली एडवर्टीजमेंट मुझे करनी पड़ेगी कि भाई मेरी ये पर्टिकुलर चेयर है, तो एडवर्टीजमेंट करी, उसके लिए हमारे 400 रुपीज लग गए। अब उसके सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें करना पड़ेगा, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सेल करने के लिए खर्चा देना पड़ेगा, किसी का कमीशन है या फिर हमें सेलिंग के लिए एडवर्टीजमेंट हो गया, और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अलग अलग जगह पर अपनी चेयर्स हमें डीलर से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, रिटेलर के पास भेजनी पड़ेगी, तो उसमें भी मेरा खर्चा 400 रुपए का आ गया, राइट। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, जैसे मैं बोल रही थी कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आ गया, देन कुछ लकड़ी उसमें से जब तक सेल नहीं हुई थी चेयर, वो मेरी डेप्रिशिएट भी हो गई, जैसे स्टॉक रखा था किसी कमरे में और वो चेयर टूट गई, ठीक है, तो वो डेप्रिशिएट भी हो गई, तो डेप्रिशिएट हो गई 400 से। अब मैंने जब टोटल अमाउंट कैलकुलेट किया अपने चेयर का 100 चेयर्स का, तो वो अमाउंट आया 3880। ठीक है, फिर से देख लीजिए, 100 चेयर मुझे बनानी थी, तो उसके लिए लकड़ी मेरे पास ऑलरेडी थी 1000 रुपीज की, 500 रुपए की लकड़ी मैंने और खरीद ली, लेबर से मैंने लकड़ी लेबर से मैंने चेयर बनवाई, जिसके लिए मुझे 100 रुपए देने पड़े लेबर को, देन वहां पर जो लाइट यूज हुई, जो पानी यूज हुआ, वो बिल आ गया 500 का, देन किराया जो हम लेकर आए थे पेरिस सामान को लेने का ले जाने का, उसका किराया लग गया 100 रुपीज। अब 20 चेयर मुझे सेल नहीं करनी थी तो मैंने हटा दी इसमें से, ठीक है, देन मुझे अब मार्केट में अपनी चेयर्स का सेल करना है चेयर्स को, तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट किया मैंने 400 का, देन डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन किया, अलग अलग डीलर्स तक अपनी चेयर पहुंचाएं, तो उसमें मेरा खर्चा इतना आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ चेयर्स टूट गई, स्टॉक में रखी थी लेकिन टूट गई, घिस गई, तो उसमें 400 का खर्चा और आ गया, 400 का लॉस हो गया मेरा, तो टोटल एक्सपेंसेस मेरी आ गई 3880। ठीक है, ये कितनी चेयर्स की कीमत है, 80 चेयर्स की, क्योंकि हमने जो 20 चेयर्स है वो हमने साइड कर दी। ठीक है, लेकिन जो भी हमारी एक्सपेंसेस आई है टोटल, ये कितनी आ गई 3880। अब ये जो एक्सपेंसेस आई है, इसी एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब किसी भी कंपनी में जो सामान बन रहा है, जो डे टू डे एक्टिविटीज हो रही हैं, उसमें कितना खर्चा आता है, उसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट, डे टू डे एक्टिविटीज के लिए जो एक्सपेंसेस होती हैं, राइट। ठीक है, सेम अगर मैंने किसी से लोन लिया है, उसका मैं इंटरेस्ट दे रही हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे लिए खर्चा है, लेकिन वो भी कैसे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। प्रीति जी, क्या आई एम श्योर आपको क्लियर होगी होंगे कि क्या हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट एक्सपेंसेस हमारे क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया ऑपरेटिंग रेशियो का, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो हमने ऑपरेटिंग रेशियो निकालनी थी, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारे पास है, देन इसका रिलेशन हमें किससे बताना है, सेल्स से, सेल्स के साथ, और हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है क्योंकि फिगर को इजी करना है, इसीलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया ऑपरेटिंग रेशियो, राइट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय किसके कंसर्न में देखना है हमें, सेल्स के कंसर्न में, सभी को सेल्स के कंसर्न में देखना है हमें, तो डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो 100 क्यों आया वो मैं आपको बता चुकी हूँ, सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात कर लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, जितना भी हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आया है। ठीक है, अगर हमारी कोई इनकम होती है, ऑपरेटिंग इनकम होती है, हमें ऑपरेटिंग ही लेना है क्योंकि हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, सो अगर हम ऑपरेटिंग इनकम ऐड करते हैं तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, इसीलिए हमने क्या किया, इनकम को ऐड कर दिया, और अगर कोई एक्सपेंसेस होती है तो माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट हमारा कम हो गया। सो अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट में इनकम्स को, ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करते हैं
और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या रहता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जितना फर्म के ऑपरेशन में प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम, जितनी इनकम हुई है और इसमें से एक्सपेंसेस को हटा दो तो आपके पास आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेक्स्ट रेशियो में नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। अब नेट प्रॉफिट क्या है, आपको फॉर्मूला याद, आपको ये टेबल याद हो पीएनएल अकाउंट की, जो 11th में हम बनाते थे, ये हमारी डेबिट साइड होती थी, ये हमारी क्रेडिट साइड होती थी, यहाँ पर हमारा जीपी आता था और सारी इनकम्स आ जाती थी। इनकम में जैसे रेंट रिसीव्ड हो गया, डिविडेंड रिसीव्ड हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, और यहाँ पर हमारी सारी एक्सपेंसेस आती थी, आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोनों। तो ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑल इनकम माइनस ऑल एक्सपेंसेस, यहाँ से अगर हमारे इस टोटल में से इस टोटल को माइनस किया जाता था, अगर बैलेंसिंग फिगर आता था, उसे हम क्या बोलते थे, नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में अगर हम सारी इनकम्स को ऐड कर दें और सारी एक्सपेंसेस को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। राइट, सो नेट प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। अब बात करते हैं अपने लास्ट की, लास्ट रेशियो की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब कंपनी ने कितना इन्वेस्ट किया था और उस पर कितना रिटर्न आया है। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न, ठीक है, वो हमें कैसे पता चलेगा, इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कितना इन्वेस्ट किया है वो क्या होता है हमारा, मतलब कितना पैसे लगाया है। ठीक है, तो ये क्या हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड आपको सबको मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है हमारा, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी, ये तो हो गया लायबिलिटी के कंसर्न में। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कितने पैसे लगा दिए, चाहे वो अपने पैसे लगाए हो चाहे वो मांग कर लगाए हो, ठीक है, उधार लगाए हो, तो वो क्या हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। देन अब उस पर रिटर्न कितना आया तो हमें कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा हमें प्रॉफिट के थ्रू। ठीक है, तो कैपिटल, जितनी हमने कैपिटल लगाई है उस पर कितना प्रॉफिट हमने अर्न कर लिया। राइट, तो इसका हम जो फॉर्मूला हमारा बन जाता है वो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय, किस पर निकाल रहे हैं हमें प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड पर। तो ये हो जाता है हमारा इसका फॉर्मूला आरओआई। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम वन बाय वन टॉपिक्स को एक्सप्लेन करते जाएंगे विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। सॉरी मैं यहाँ 100 लिखना भूल गई, तो आप नहीं भूल जाना, यहाँ पर 100 और आएगा। तो चलते हैं अपने वन बाय वन फॉर्मूलेस की तरफ एग्जांपल्स के थ्रू। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है जिसमें हमें क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 5,25,000, परचेजेस 5,50,000, ओपनिंग इन्वेंट्री 120,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 130,000, वेजेस 30,000, परचेज रिटर्न 10,000, और कैशियर हमसे बोला गया है कि 25% है टोटल सेल की। अब हमें क्वेश्चन में किन किन चीजों की जरूरत है, ग्रॉस प्रॉफिट है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो सबसे पहले हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लेते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया है कि कैश सेल टोटल सेल का 25% है, इसका मतलब अगर कैश सेल 25% है तो क्रेडिट सेल कितनी हुई, 75%। ठीक है, कैश सेल अगर 25% है तो क्रेडिट सेल कितनी हुई, 75%। कैसे निकाला, मैंने 100 में से माइनस कर दिया, 75% आ गई क्रेडिट सेल, क्योंकि कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों मिलकर टोटल सेल होती हैं। तो टोटल सेल में से अगर कैश सेल हटा दो, 100 में से अगर 25 हटा दे तो 75 बचा, तो इसका मतलब क्रेडिट सेल 75% है टोटल सेल की। ठीक है, तो 75% ऑफ एक्स मतलब 75/100 इनटू एक्स, और क्रेडिट सेल हमें पास, हमारे पास क्वेश्चन में है 5,25,000 = 75x/100, तो यहां से x की वैल्यू आ गई हमारी 7 लाख। अब ये x क्या था हमारा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ चुका, अब हमें क्या चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, परचेज, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, वेजेस, परचेज रिटर्न, ये सारी फॉर्म जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है ये किससे रिलेटेड है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। तो निकाल लेते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस वेजेस माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो यहां से हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये कितनी आ गई, 5,60,000। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। सो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा क्या आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट
ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहाँ से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 140,000। अब हमारे पास दोनों चीजें आ चुकी है तो फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट 140,000 और ये हमारे पास रेवेन्यू आई थी 7,00,000 × 100 और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा 20%। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कैसे करना है। नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटिंग रेशियो। सो ऑपरेटिंग रेशियो था ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, हमारी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो मैंने आपको भी समझाया था, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन। हमारे क्वेश्चन में गिवन है ऑपरेटिंग कॉस्ट 5,40,000, ग्रॉस प्रॉफिट 25%। यहाँ हमारे ग्रॉस प्रॉफिट में कुछ भी नहीं गिवन, और मैंने आपको पहले बताया था अपनी पुरानी वीडियोस में कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट में हमारे पास क्वेश्चन में साइलेंट है, क्वेश्चन कुछ नहीं स्पेसिफाई कर रहा, तो वो ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 60,000। अब हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारे पास है, हमें क्या चाहिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट है जो कि सेल्स पे लग रहे हैं और रेवेन्यू क्या हमें गिवन नहीं है, तो हमने क्या किया, रेवेन्यू को लेट किया यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हमारे रेवेन्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब रेवेन्यू निकालने के लिए हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना जरूरी है, तो पहले उसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगी, हमारी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारे पास है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे पास है, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने निकाल ली। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट 540,000, 60,000 इधर आके माइनस हो गया और ये हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कितना निकल आएगा, हमसे 4,80,000। अब हम निकाल लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। तो हमने रेवेन्यू को लेट कर लिया एक्स, ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया 25% ऑफ एक्स, मतलब एक्स बाय 4। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 480,000 जो हमने अभी भी कैलकुलेट की, प्लस ग्रॉस प्रॉफिट एक्स बाय 4। अब एक्स बाय 4 को इधर ले आते हैं, ठीक है, और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा 6,40,000। अब हमारे पास दोनों चीजें हैं तो फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं वैल्यूज। ऑपरेटिंग कॉस्ट 5,40,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6,40,000 इनटू 100, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 84.37%। सो ये हमारा नेक्स्ट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ये क्या था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिया है मैंने, जिसमें हमारे पास इन्फॉर्मेशन है ओपनिंग स्टॉक 10,000, परचेजेस 120,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4,00,000, परचेज रिटर्न 5,000, सेल्स रिटर्न 15,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 70,000, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 40,000 और क्लोजिंग स्टॉक 60,000। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें हमारे पास गिवन है, हमें क्या क्या चाहिए, अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो इजी है, निकाल लेते हैं पहले। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें नेट चाहिए, तो नेट निकालने के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है और हमारे पास सेल्स रिटर्न गिवन है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस सेल्स रिटर्न, ये हमारे पास क्या आ गया, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, राइट। अब हमारे पास क्या चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम क्योंकि बढ़ा रही है, माइनस एक्सपेंसेस क्योंकि कम कर रही है, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास ऑब्वियसली कॉस्ट होनी जरूरी है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लेते हैं, इससे रिलेटेड हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, तो हमारे इसे फाइंड आउट कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस परचेस रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा 65,000, राइट। अब हम निकाल लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, तो वो क्या था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास 385,000, कॉस्ट हमारे पास आ गई 65,000, हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 3,20,000, ओके। अब हम निकाल लेते हैं अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो हमारा था ये ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनकम माइनस एक्सपेंसेस, कौन सी, ऑपरेटिंग वाली, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ गया 3,20,000, इनकम हमारे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, सेलिंग एक्सपेंसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ठीक है। तो उन दोनों को हमने यहाँ ले लिया है, तो 320,000 माइनस 70,000 माइनस 40,000 ये हमारे पास आ जाएगा 2,00,000।
10,000। तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आ गया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी आ चुका है, फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 54.55%। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला करते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो। सो नेक्स्ट हमारा प्रॉफिट रेशियो था नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यहाँ जो हमें प्रॉफिट लेना है वो आफ्टर टैक्स वाला लेना है, क्योंकि टैक्स से पेमेंट करने के बाद जो भी टैक्स है उसे पेमेंट करने के बाद का जो प्रॉफिट होगा उससे हम सेल्स के कंसर्न में देखेंगे कि कितना कंपनी ने नेट प्रॉफिट अर्न किया। ठीक है, अगर टैक्स है तो उसका यूज करेंगे, नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 30%। यहाँ भी ग्रॉस प्रॉफिट के सामने कुछ नहीं दिया, तो 30% किस पे लगेगा? मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है तो ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स पर लगाया जाता है। ठीक है, देन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 120,000, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 20%, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। अगर कैश रेवेन्यू है 20% टोटल रेवेन्यू का, तो क्रेडिट रेवेन्यू कितना हुआ? 80%। सिंपल, ठीक है, इसका मतलब क्रेडिट रेवेन्यू कितना है? 80%। देखिए, ये ना क्वेश्चन में नहीं दिया, ये आपको खुद को समझना है कि अगर कैश रेवेन्यू 20% है तो क्रेडिट रेवेन्यू कितना हुआ? 80%, राइट। अब हमने क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट किस पर निकालना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसलिए हमने लेट कर लिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो लेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक्स हो गया। अब एक्स का कितना परसेंट है? ये 80%। और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास गिवन है 8 लाख। तो जब हम 8 लाख से इसे सॉल्व करेंगे 4x/5 को, तो यहाँ पर हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा 10 लाख। अब ग्रॉस प्रॉफिट है 30%, तो इसका 30% निकाल देते हैं, ये आ गया हमारा 3 लाख ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ चुका है, ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास है, और हमें क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट क्या था? ग्रॉस प्रॉफिट में सारी इनकम ऐड करनी थी और सारी एक्सपेंसेस माइनस करनी थी। तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस कितनी हमारे पास? 1 है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनकम कुछ भी नहीं है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने माइनस कर दी, यहाँ से हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया 1,80,000 का, राइट। अब नेट प्रॉफिट आ चुका है, हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी है, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो नेट प्रॉफिट 180,000 डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये था हमारे पास 10 लाख। तो 10 लाख और इनटू 100 हमारे पास नेट प्रॉफिट रेशियो कितना आ गया? 18%। अब चलते हैं अपने लास्ट फॉर्मूले की तरफ। आज की वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI, जिसे हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या था हमारा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन लिया है जिसमें हमारे पास इन्फॉर्मेशन है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 6 लाख, डिबेंचर्स है 10%, 10 लाख, टैक्स हमारा 40% और कैपिटल एम्प्लॉयड है 80 लाख। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। सबसे पहले हमें चाहिए नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट, टैक्स है, डिविडेंड, और उसके बाद हमें कैपिटल एम्प्लॉयड, ये दो चीजों की जरूरत है। तो नेट प्रॉफिट हमने बिफोर टैक्स निकाल दिया, तो 6 लाख हमारे पास था इनटू 100 अपॉन 60 कैसा है? 100 माइनस 40 करके। ये फॉर्मूला मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप पुरानी वीडियोस को एक बार जरूर देख लें। तो यहाँ से हमारे पास ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया है 10 लाख। अब हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो आ गया, इंटरेस्ट और चाहिए, डिविडेंड हमारे क्वेश्चन में है नहीं, अदरवाइज डिविडेंड भी निकालते। तो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर थे 10 लाख, 10 लाख हमने 10% निकाला, तो ये आ गया हमारा 1 लाख। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, तो बिफोर टैक्स था 10 लाख, इंटरेस्ट और हमने ऐड कर दिया इसमें, तो कितना हो गया? 11 लाख। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ चुका है? 11 लाख। अब हम निकाल लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का जैसे क्वेश्चन में गिवन है 80 लाख, तो यहाँ तो हमें फाइंड आउट करने की जरूरत है नहीं, तो हमने सीधे सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दिए, 11 लाख डिवाइड बाय 8 लाख इनटू 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 13.75%। अब मैं यहाँ पर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में थोड़ी सी डिटेल फिर से दे रही हूँ, वैसे मैं ये बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार एक क्विक रिविजन इसका ले लेते हैं। देखिए, लायबिलिटीज में हमारी क्या क्या चीजें आती थी? टोटल लायबिलिटीज में शेयरहोल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। ठीक है, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये होता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक, और अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो ये होती है हमारी टोटल लायबिलिटी। तो हमारे पास एक फॉर्मूला तो लायबिलिटी साइड से निकल आता है, टोटल लायबिलिटी से
कैसे करें? तो देखिए टोटल एसेट्स में क्या क्या आते हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, राइट। अगर टोटल एसेट्स से, टोटल एसेट्स क्योंकि टोटल लायबिलिटी के बराबर है, और अगर टोटल एसेट्स से भी हम करंट लायबिलिटी को हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो भी हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आता है। तो ये हम एसेट कंसर्न में भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आते हैं हमारे, फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। तो एक और फॉर्मूला हमारे यहाँ से बन जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए, फिक्स्ड एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल, इससे भी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आती है। अब देखिए कैसे, हमारे टोटल एसेट्स थी और मैंने भी आपको बताया टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करेंगे तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। तो ये भी सारा वही है, देखिए करंट वर्किंग कैपिटल क्या है हमारा, सी ए माइनस सी, तो फिक्स एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। फिक्स एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स, ये क्या बन गया हमारा टोटल एसेट्स। सो वापस हम उसी फॉर्मूले पे आ गए, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो हमारे पास क्या आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो ये थ्री मेथड्स हैं हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर्म करने के, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूले आपका ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ रटना है, ये सारी चीजें मैं आपको पहले भी पुराने वीडियोस में भी डिटेल में बता चुकी हूँ। तो बस आपको थोड़ा सा अपना सेंस यूज करना है, थोड़ा सा अपना स्मार्ट वर्क दिखाना है कि आप कैसे चीजों को इधर से उधर मॉडिफाई करके नए फॉर्मूलेस क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारे फॉर्मूले समझ में आए होंगे, सारे रेशियो समझ में आए होंगे, और हाँ आपको फॉर्मूले लर्न नहीं करने पड़े होंगे, आपको अब टॉपिक देखकर आप फॉर्मूला बना सकते हैं, या आपको एकदम से आपके माइंड में वो फ्लैश हो जाएगा फॉर्मूला कि हाँ ये फॉर्म, ये अगर रेशियो है तो इसके लिए हमें किन किन कंसर्न आइटम्स को ध्यान में रखना है और कैसे वो फॉर्मूला हमें फॉर्म करना है, हमें फॉर्मूला बनाना है, ना कि रटना है। आई होप जो अकाउंटेंसी आपको रात को सोने नहीं देता, भूत बनकर आपको डराता है, तो अब वो डर कहीं ना कहीं कम हुआ होगा। आप लोग चीजों को समझ रहे होंगे, आप उन्हें सीख रहे होंगे, कुछ मेहनत आप करिए, कुछ मेहनत मैं कर रही हूँ, दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चीजें आसान होंगी, इजी होंगी, आप भी समझ पाएंगे चीजों को और करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।